How to fix OnePlus 8 Call volume too loud problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है कॉल वॉल्यूम टू लाउड प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पे कैसे फिक्स कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये कॉम्प्लेंट किया है OnePlus के रिगार्डिंग पर कि उनका जो कॉल वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा जो है लाउड है। ठीक है, तो कैसे करके आप प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ पे मैं आपको कुछ सेटिंग्स जो है वो सजेस्ट कर देता हूँ जिसको आपको फॉलो करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस आपको बताऊँगा, तो वो भी आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका जो कॉल वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड है तो सबसे पहले मोबाइल को रिस्टार्ट करें। ठीक है, और अगर आपको लगता है आपका कॉल वॉल्यूम जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया हुआ है तो आप वॉल्यूम को थोड़ा सा लो करें ताकि आपको वॉल्यूम कम सुनाई दे। ठीक है, लेकिन आपने पूरा कम करके देख रहा है लेकिन अभी भी आपका जो वॉल्यूम है कॉल का वो लाउड रहे। ठीक है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए दोस्तों आपको जाना है सेटिंग, और मैंने आपको कहा था एक सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ तो मैं आपको वो पहले ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जाना है सिस्टम, उसके बाद आपको मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, और उसके बाद आपको नीचे जाना है। ठीक है, तो नीचे में आपको मिलेगा हेयरिंग एट कॉम्पिटिबिलिटी, तो आपको ये जो ऑप्शन है दोस्तों ये ऑफ़ करके रखना है। ठीक है, ये ऑन नहीं करना है, इसके वजह से दोस्तों प्रॉब्लम आ रहा है काफ़ी सारे लोगों को, तो ये सेटिंग को आपको डिसेबल करना है। तो इस सेटिंग को डिसेबल करें, डिसेबल करने के बाद दोस्तों चेक करके देखिए, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जाइए दोस्तों सेटिंग पर, दोबारा से थोड़ा सा नीचे आ जाइए ऐप्स नोटिफिकेशन पे, सी ऑल ऐप्स पर क्लिक करें, एंड आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है आपका फ़ोन सर्विस। तो फ़ोन सर्विस पर जाए, स्टोरेज एंड कैश पर क्लिक करते हुए क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करना है, ओके कर देना है, और ओके करने के बाद मेक श्योर सारे परमिशंस इनेबल रहे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे बैक कीजिए, मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए, दोबारा से चेक करके देखें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर दोस्तों कॉल वॉल्यूम का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, अभी भी आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा जो है आपका कॉल वॉल्यूम लाउड हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, तो एक दफ़ा मोबाइल को सेफ मोड पर रिबूट करके देखिए। उसके लिए पावर बटन पर प्रेस एंड होल्ड करना है, पावर ऑफ के बटन पर आपको 2 सेकेंड क्लिक करके रखना है, और उसके बाद ओके कर देना है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आप ओके करोगे आपका फ़ोन सेफ मोड पे रिबूट हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन आप फॉलो करके देखें, सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। ठीक है, साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे फ़ोन सर्विस को अपडेट कीजिए, उसके लिए सिस्टम पर जाना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको सर्च करना है फ़ोन सर्विस, यहाँ पे टाइप कीजिए फ़ोन सर्विस। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस ऐप को अपडेट करके देखिए, इस ऐप को अपडेट करने के बाद दोस्तों अगर आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको एक डायलर मिलेगा ट्रू कॉलर करके। ठीक है, ट्रू कॉलर दोस्तों यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा अभी फ़िलहाल के लिए, तो आप इसको इंस्टॉल करके यूज़ करके देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो अपना डायलर को ही चेंज करके देख सकते हैं, इससे आपका काम बन जाएगा। तो यह था दोस्तों सॉल्यूशंस आपके कॉल वॉल्यूम टू लाउड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बाय एनी चांस अगर आपको प्रॉब्लम आते हैं तो दोस्तों सेटिंग पर जाके अब अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। ठीक है, उसके लिए सिस्टम पर जाना है और मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, तो मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट करते ही आपके कॉल वॉल्यूम टू लाउड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये सॉल्यूशन जो मैंने आपको इस मोबाइल में बताया आप किसी भी OnePlus के मोबाइल पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।